अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि राउटर को रूट कैसे कराते हैं। राउटर को रूट कराने के लिए कमांड होती है आईपी रूट स्पेस, जो कि जिस राउटर पर बैठे हैं जिस राउटर को हमें रूट कराना है, जिस राउटर से कनेक्ट कराना है, उस सिस्टम का पहले हम आईपी एड्रेस रूट कराएंगे। जैसे यहाँ पे है इसका 20.0.0.2 है, इसको हम इसकी सीरीज लिखेंगे 20.0.0.0 स्पेस, उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 स्पेस। उसके बाद जो राउटर है, ये राउटर लगा हुआ है, इस राउटर का जो है आईपी लिखेंगे 192.168.1.2, ये रूट हो गया। अब हम इस राउटर को रूट कराएंगे पहले। अब यहाँ पे लिखेंगे आईपी रूट, उसके बाद उस राउटर का आईपी एड्रेस जो है 192.168.2.2 से है, तो उसकी हम जो है कि आईपी एड करें 2.0। अब हम जिसका स्टार्टिंग आईपी है सबनेट मास्क का 255.255.255.0। अब इस राउटर का आईपी एमिट कराएंगे जो कि जिस राउटर से कनेक्ट है, ये कनेक्ट है 192.168.1.2, ये मैंने करा दिया। अब जो जो तीसरे राउटर पे जो है कि जो लगा हुआ है सिस्टम, अब उसका हम रूट कराएंगे, तभी हमारे पिंग दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अब मैं उसको कर देता हूँ 30.0.0.0/255.0.0.0/192.168.1.2। अब ऐसे हम सारे राउटर को ऐसे रूट करा देंगे, देख लीजिए। इसको भी हमने करा दिया। इसको मैंने रूट करा दिया, इसको भी देखिए। अब जो है कि फर्स्ट राउटर जो है कि उससे हमने सारे राउटर को रूट करा दिया। अब ऐसे ही हम जो है कि सारे राउटर पे रूट कराएंगे, जितने भी राउटर हमारे पास लगे हुए हैं सारे को एक एक दूसरे के साथ रूट कराएंगे। पहला हो गया, दूसरे पे आ रहे हैं, रूट कराएंगे उसको भी। आईपी रूट इस राउटर को हम करा रहे हैं 10.0.0.0/255.0.0.0। अब इसका सबनेट मास्क भी लिख लिए थे। अब इस किस राउटर से हम कनेक्ट करें, 192.168.1.1 से। अब देखिए इधर तो हो गया, उधर अब चलेंगे, इधर का लिखेंगे 30.0.0.0/ उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। अब उस राउटर का आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.2.2। ये भी रूट हो गया। अब हम आएंगे तीसरे राउटर पे, इस तरफ के अब वो है 192.168.3.2 है, 3.0 इसकी सीरीज होगी, उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब जिस किस राउटर से हमें रूट कराना है 192.168.2.2 से, अब उस सिस्टम को करा देंगे इसमें ऐड।
इसको भी रूट करा देते हैं हम। ये हो गया, हमने देख लिया 20, अब इसको ऐड करा दिया था मैंने। किससे कराना है? 2.1 से, क्योंकि उस तरफ जो कि 2.1 लगा हुआ है सीरीज का। फिर रूट कराएंगे 192.168.1.1 को। अब इस तरफ जो राउटर 1.2 की सीरीज है तो वहाँ पे लगाएंगे हम, क्योंकि 2.1 लगाएंगे, क्योंकि जो है कि जिस राउटर से वो कनेक्ट है उसको ऐड करेंगे। देखिए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या 1.1 दे दिया था, क्योंकि हमें सीरीज चाहिए 1.0 की, क्योंकि जब भी राउटर उठाता है तो शुरू से उठाता है। देखिए तब भी ये गलत हो गया, अब हम 0 देते हैं यहाँ पे, अब ले लेगा ये। ऐसे सिस्टम को भी हम करेंगे, सिस्टम को मैंने ऐड करा दिया, रूट करा दिया। वो हम आ गए 34 राउटर पे। इसको इसमें भी हम सारे राउटर ऐड कराएंगे, पीसी ऐड कराएंगे, तब इसके बाद ये भी रूट हो जाएगा। और जिस पीसी पे हम बैठेंगे, किसी भी पीसी पे, सारे पीसी में पिंग करते नजर आएंगे। किसी भी पीसी पे बैठ के हम पिंग कराएंगे तो हमें रिप्लाई आता नजर आएगा। इसमें भी हमने सारे राउटर और पीसी ऐड करा दिए। आईपी रूट 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0 192.168.3.1। इसमें भी हमने सारे करा दिए। अब देखिए पिंग हम कराएंगे राउटर किसी भी सिस्टम में बैठ के, तो पिंग करता नजर आएगा। देखिए पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ गया 10.0.0.2 का। अब हम ऐसे किसी भी सिस्टम पे बैठेंगे और पिंग कराएंगे तो ये पिंग करता नजर आएगा। देखिए अभी आरटीओ आ गया